brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लंबे इंतजार के बाद कन्हैया कुमार को आखिरकार टिकट मिल गया है। बिहार के बेगूसराय के कन्हैया अब दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, वहां से जहां से बीजेपी ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया। मतलब अब दिल्ली में भिड़ेंगे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट मिला है, जिसके बाद इस सीट पर लड़ाई जो है अब पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली का हो गया है। कन्हैया कुमार अब दो बार के सांसद और सिनेमा स्टार मनोज तिवारी को सीधी चुनौती देंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर की नजरें अब इस हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट पर रहने वाली है, क्योंकि कन्हैया की एंट्री ने सीट पर अब मुकाबला ना सिर्फ कड़ा बना दिया बल्कि बेहद रोमांचक, बेहद दिलचस्प भी बना दिया है। मनोज तिवारी, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो इस इलाके में लगातार दो बार सांसद रह चुके हैं। उनके इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। नेता के तौर पर वो लोकप्रिय हो ना हो, लेकिन अभिनेता और गायक के तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग का जवाब नहीं। जबकि कन्हैया कुमार की अगर हम बात करें तो कन्हैया कुमार की स्टार छवि अलग किस्म की है। बतौर जेएनयू छात्र संघ प्रेसिडेंट वो रातों रात स्टार बन गए। उनके भाषण के जरिए उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर तक पहुंच गई। अब वो एनएसयूआई और एआईसीसी इंचार्ज हैं और खास तौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते हैं। आज के जो यूथ हैं वो कन्हैया से काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं। कन्हैया कुमार से यूथ काफी कनेक्ट करते हैं और यही वजह है कि पहले कांग्रेस कन्हैया को बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़वाना चाहती थी। लेकिन कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव कन्हैया को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस के खाते में वो सीट ही नहीं आई। बेगूसराय सीट जो है वो आरजेडी ने अपने पास रखा और कन्हैया का पत्ता बिहार से कट गया। लेकिन कन्हैया के चुनाव लड़ने की चर्चा लगातार हो रही थी। कन्हैया कुमार राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी सक्रिय नजर आ रहे थे। लगातार उन यात्राओं की योजना बनाने से लेकर के युवाओं को साथ जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही। अब कभी कम्युनिस्ट रहे कन्हैया कुमार, अब राहुल की सेना के सबसे सक्रिय सिपाही में से एक है। राहुल गांधी भी चाहते थे कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़े। राहुल के साथ कन्हैया को देखकर ही कयास लगाए जा रहे थे कन्हैया को चुनाव लड़वाया जाएगा, और ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का विकल्प कन्हैया कुमार को दिया गया। फिलहाल कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई की प्रभारी कन्हैया लोकसभा चुनाव में कामयाब रहे तो दिल्ली में कांग्रेस को एक बड़ा पूर्वांचली चेहरा मिल जाएगा। चुनावी ताल ठोकते हुए कन्हैया कुमार मोदी सरकार पर खूब हमले भी करेंगे, जिसके लिए कन्हैया कुमार जाने भी जाते हैं। उनके कई भाषण काफी वायरल भी है। अब इससे कांग्रेस के अभियान को मजबूती मिलेगी। कई लोगों का मानना है कि कन्हैया बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी पर जबरदस्त दबाव जो है वो बना सकते हैं, और यहाँ अब कन्हैया कुमार के एंट्री के बाद जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। काफी कड़ी टक्कर दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिलेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन किस पर भारी पड़ता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।